हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। सो गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीडियाट्रिक और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो प्रीवियसली एम्स के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आ चुके हैं, और साथ ही ये क्वेश्चन जिनका ANM के लिए पेपर है उनको भी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन है वो प्रीवियसली रिपीटेड ईयर के क्वेश्चन हैं, और साथ ही साथ इसके अलावा जिनका भी ANM के लिए पेपर है, मेरे पास बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि आप ANM वालों के लिए भी वीडियो बनाइए। तो गाइज़, आप लोग प्रीवियस ईयर के जो CHO के पेपर हैं उनको भी आप लोग देख सकते हैं, और इस चैनल पे आपको ANM के एटलीस्ट 10 पुराने पेपर मिल जाएंगे, तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में लिंक दे दूँगी, और इसीलिए मैं आपको हिंदी में इसलिए साथ में एक्सप्लेन करती हूँ ताकि जो ANM वाले स्टूडेंट हैं उनको भी समझ में आए। तो चलिए देखते हैं। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी की हेल्प हो सके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चाइल्ड विथ हिस्ट्री ऑफ कन्वल्जन। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी जिस बच्चे की हिस्ट्री, प्रीवियस हिस्ट्री क्या रही हो कन्वल्जन, उसको कन्वल्जन आते हों, तो उसके लिए कौन सी वैक्सीन है जो कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी। ऑप्शन है DPT, मीजल्स, टाइफॉइड, DBCG। तो यदि किसी बच्चे को कन्वल्जन्स आते हैं तो उसके लिए है जो DPT वैक्सीन है जो कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी, क्योंकि इसमें जो पर्ट्यूसिस कंपोनेंट रहता है DPT वैक्सीन में, उसी के कारण इस वैक्सीन को कॉन्ट्राइंडिकेट किया गया है। जिन भी बच्चों में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो, जैसे कि कन्वल्जन, फिट्स, तो उन बच्चों में है जो DPT वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेट रहती है, और किस कंपोनेंट के कारण रहती है, तो वो रहती है पर्ट्यूसिस कंपोनेंट के कारण। नेक्स्ट इज इनिशियल फ्लूड ऑफ चॉइस फॉर डायरिया इन एन इन्फेंट। तो इनिशियल फ्लूड चॉइस क्या रहेगी किसी इन्फेंट को डायरिया की कंडीशन है, तो ऑप्शन है ORS, सॉल्ट वाटर, सुगर वाटर और D-dextrose। तो जो इनिशियल फ्लूड चॉइस रहेगी जिस बच्चे को डायरिया की कंडीशन है, तो उसके लिए सबसे पहले ORS दिया जाएगा। नेक्स्ट इज कंगारू मदर केयर इज नेसेसरी टिल बेबी अटेंड्स अ वेट ऑफ। कंगारू मदर केयर को लेके जिनका भी पिछले महीने में ही CHO का पेपर हुआ था MP के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, तो उसमें कंगारू मदर केयर से 3 या 4 क्वेश्चन आए हुए थे कि कंगारू मदर केयर कितने टाइम तक दी जानी चाहिए, कौन से बेबी को दी जानी चाहिए, बर्थ वेट कितना होना चाहिए, ये सभी मिला के। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कंगारू मदर केयर है जो कब देनी चाहिए, बेबी का वेट कितना हो तब देनी चाहिए। तो ये देनी चाहिए जब बेबी का वेट 2500 ग्राम हो, 2500 ग्राम हो, 2.5 किलोग्राम हो, उससे कम रहेगा बेबी का वजन, तभी है जो कंगारू मदर केयर दी जाएगी। लो बर्थ वेट बेबीज को ही ये कंगारू मदर केयर दी जाती है। नेक्स्ट आता है ब्रेस्ट मिल्क स्टोरेज इन अ रेफ्रिजरेट अप टू। तो रेफ्रिजरेटर में ब्रेस्ट मिल्क को कितने टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, 4 आवर, 8 आवर, 12 आवर, D-24 आवर। तो ब्रेस्ट मिल्क को हम रेफ्रिजरेटर में 24 आवर तक स्टोर करके रख सकते हैं, 24 घंटे तक। जो एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क होता है उसको रूम टेम्परेचर पर 10 घंटे, याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्ज़ाम में। तो यदि ब्रेस्ट मिल्क के स्टोरेज की बात की जा रही है, तो रेफ्रिजरेटर में 24 आवर तक, 24 घंटे तक, रूम टेम्परेचर है तो 10 घंटे तक, और यदि फ्रीजर में रखते हैं हम -20°C के टेम्परेचर पर, तो ब्रेस्ट मिल्क को 3 मंथ तक स्टोर करके रखा जा सकता है। नेक्स्ट है वॉट आर द वैक्सीन रिकमेंडेड एट बर्थ एज पर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग एट द बर्थ कौन सी वैक्सीन है जो रिकमेंड की जाती हैं, DTN ओरल पोलियो वैक्सीन, BCG हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, BCG एंड DPT और DBCG। तो जो एट द बर्थ है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो BCG और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, ये एट द बर्थ है जो रिकमेंड की जाती हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अपगार स्कोर। जो अपगार स्कोर है न्यूनेट के लिए चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है अपगार स्कोर, तो उसमें कौन सा कंपोनेंट है जो इसका नहीं है, तो वह रेस्पिरेटरी पर मिनट है जो इसका कंपोनेंट नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, रेस्पिरेटरी पर रेट पर मिनट, क्योंकि रेस्पिरेटरी एफर्ट चेक किया जाता है अपगार स्कोर में, ना कि रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट।
तो यहाँ पर जो वर्ड अपगार है इसमें क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं, पर जो ए रिप्रेजेंट करता है एक्टिविटी मीन्स मसल टोन, पल्स और हार्ट रेट, ग्राइमेसी मीन्स रिफ्लेक्स एक्टिविटी, और अपियरेंस मीन्स बॉडी का कलर चेक किया जाता है, और रेस्पिरेशन जो एफर्ट है वो चेक किए जाते हैं अपगार स्कोर में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द आइडियल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स ड्यूरिंग न्यूबॉर्न रिससिटेशन। न्यूबॉर्न में जो रिससिटेशन के लिए कौन सा रूट सही रहेगा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो वो होगा अम्बिलिकल वेन, आईवी कैथेटराइजेशन, आईवी रूट के थ्रू, इंट्रावीनस रूट के थ्रू जो कैथेटराइजेशन किया जाएगा अम्बिलिकल वेन में, वो हो जो आइडियल रूट माना जाता है न्यूबॉर्न रिससिटेशन मेडिसिन के लिए। तो यहाँ पे आंसर होगा बी, अम्बिलिकल वेन। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस ऑफ इंडिया। तो इंडिया में अंधे होने का, ब्लाइंडनेस का सबसे ज़्यादा कारण क्या है, तो वो है कैटरेक्ट। तो यहाँ पे आंसर होगा ए, कैटरेक्ट में क्या होता है जो लेंस है उनमें क्लाउडिंग हो जाती है, क्लाउडिंग की कंडीशन हो जाती है जो आई के लेंसेस हैं, इसके कारण कैटरेक्ट की कंडीशन होती है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा अंधे होने का कारण, ब्लाइंडनेस का कारण क्या है, कैटरेक्ट। नेक्स्ट इज अस्थमा इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो अस्थमा है जो टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आंसर होगा ए, टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। जो भी नर्सिंग स्टूडेंट है उनको जो पूरे पीएच वैल्यू है वो याद रखनी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन पीएच वैल्यू को लेके आ सकता है, चाहे आपसे यूरिन की पीएच वैल्यू पूछ लें या फिर ब्लड की पीएच वैल्यू। तो यहाँ पर जो ह्यूमन के ब्लड की पीएच वैल्यू है वो 7.35 to 7.45। नेक्स्ट इज एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग इन बेबी इंडिकेट्स। तो एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग मीन्स सफिशियंट ब्रेस्ट फीडिंग हुई उस बेबी के लिए, तो क्या चीज़ है जो इंडिकेट करेगी कि उस बेबी के लिए एडिक्वेट अमाउंट में ब्रेस्ट फीडिंग करवा दी गई है। तो ऑप्शन है बेबी स्लीप्स 2 आवर आफ्टर फीड, स्टूल 4 times पर डे, डज नॉट क्राई फ्रिक्वेंटली, और डी यूरिन 5 to 7 times पर डे। तो एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होगा कि बेबी है जो ब्रेस्ट फीड करने के बाद 2 आवर है जो सोएगा, अच्छे से सोएगा। बेबी स्लीप्स 2 आवर आफ्टर फीड। नेक्स्ट इज टू असेस द पेशेंट पॉपलिटियल पल्स नर्स शुड डू। तो पॉपलिटियल पल्स चेक करने के लिए कहाँ पर कौन से पार्ट को मेजर करेगी नर्स, बिहाइंड द नी, नी के पीछे है जो पॉपलिटियल पल्स को चेक करेगी। नेक्स्ट इज इन अ हेल्दी चाइल्ड हेड एंड चेस्ट सरकमफेरेंस इक्वल ईच अदर अराउंड द एज। हेड सरकमफेरेंस है और चेस्ट सरकमफेरेंस है, किस एज में दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये हो जाते हैं 9 से 12 महीने की एज में। नेक्स्ट इज इन ईसीजी टॉल और इंक्रीज टी वेव इन केस इंडिकेट्स। तो जब ईसीजी में है जो टी वेव है इंक्रीज रहे टॉल रहे, तो ये किस केस की तरफ इशारा करेगी, तो ये करती है हाइपरकैलेमिया की कंडीशन में जो टी वेव है जो टॉल और बड़ी हुई दिखाई देती है। और यहाँ पर देखिए हाइपरकैलेमिया इज अ कॉमन कॉज ऑफ टॉल और पीक्ड टी वेव्स। तो इसमें जो जो टी वेव है कैसी दिखती है, टॉल दिखती है। और हाइपरकैलेमिया मीन्स क्या होता है, पोटेशियम लेवल है जो ब्लड में बढ़ जाता है, जो नॉर्मल पोटेशियम है उससे ज़्यादा बढ़ जाता है। जो नॉर्मल पोटेशियम लेवल होता है भी याद रखिए होता है 3.6 to 5.2 millimoles per liter, MOL पर लीटर है जो 3.6 to 5.2 नॉर्मल जो पोटेशियम लेवल है ब्लड में ये है। नेक्स्ट इज हेपेरिन एंटीडोट। तो हेपेरिन का एंटीडोट क्या है, तो प्रोटामाइन सल्फेट और 1 mg प्रोटामाइन सल्फेट है जो 100 units रहती है पेरिन की, उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड। तो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी को कहा जाता है सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। तो गाइज मैं हाइपर सेंसिटिविटी को लेकर एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए कि वो वीडियो मैं आपके लिए बनाऊँ या ना बनाऊँ, क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी में से हर साल एक क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम का हो, चाहे वो नर्सिंग का एग्ज़ाम हो, फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हो या फिर लैब टेक्नीशियन का, उसमें ज़रूर आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड द सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। नेक्स्ट इज ड्रग ऑफ चॉइस इन इंक्रीज्ड ICP। तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ हो तो उसके लिए ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है, तो वो होगा इंट्रावीनस रूट के थ्रू मैनिटॉल एडमिनिस्टर किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर होगा इंट्रावीनस मैनिटॉल। नेक्स्ट इज कर्निक्टस अफेक्ट विच बॉडी ऑर्गन। कर्निक्टस की कंडीशन में बॉडी का कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है, तो सबसे ज़्यादा ब्रेन है जो अफेक्ट होता है। तो यहाँ पे आंसर होगा बी, ब्रेन।
कर्निक ट्रेस की कंडीशन क्या है? कर्निक ट्रेस इज अ रेयर काइंड ऑफ प्रिवेंटिबल ब्रेन डैमेज दैट कैन हैपन इन न्यू बॉर्न विथ जॉइंडिस। कर्निक ट्रेस की कंडीशन है जो जॉइंडिस में होती है, तो जॉइंट जो न्यू बॉर्न में मेनली ये कंडीशन देखने को मिलती है, उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या होता है? ब्रेन, ब्रेन डैमेज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। और जॉइंडिस की कंडीशन क्या है? इसमें येलो कलर के जो स्किन है और टिश्यू हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। 60-80% इन्फेंट में कंडीशन अफेक्ट करती है। नेक्स्ट आता है, ब्रेस्ट फीडिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इफ मदर इज रिसीविंग। ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी किसी भी मदर के लिए यदि वो कौन सी मेडिसिन है जो ले रही हो, खा रही हो। एस्प्रिन, प्रेडनिसोन, एरिथ्रोमाइसिन और अमायोड्रॉन। तो यदि कोई भी मदर अमायोड्रॉन मेडिसिन ले रही हो तो उसके लिए ब्रेस्ट फीडिंग है जो कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी। अमायोड्रॉन कौन सी मेडिसिन है? एंटी अरिथमिक मेडिकेशन दैट इज़ यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट अ नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ रेगुलर हार्ट बीट्स। तो ये एंटी अरिथमिक मेडिकेशन है और यदि कोई भी मदर इस मेडिसिन को ले रही है तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग है जो कॉन्ट्राइंडिकेट रखी जाएगी, वो बच्चे को अपने दूध नहीं पिला सकती। नेक्स्ट एंड लास्ट इज नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। तो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम होती है 500 ml। और टाइडल वॉल्यूम क्या है? इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ एयर मूव्ड इनटू एंड आउट ऑफ लंग्स ड्यूरिंग ईच वेंटिलेशन साइकिल। तो जो एक वेंटिलेशन साइकिल होगी उसमें जो एयर अंदर आती है और बाहर जाती है तो वॉल्यूम क्या कहलाती है? टाइडल वॉल्यूम। सो गाइज, यदि वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।